सब के लिए एक बहुत हम्बल लीडर, बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज और बिल्कुल हमारे अपने। तशरीफ लाते हैं आप सबकी तालियों की गूंज में मोहम्मद अफजल खान। इलेक्शन डेज हैं जी, बहुत गर्मी की जरूरत है, जोश व खरोश। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डॉक्टर साहब, रिस्पेक्टेड शायर जहाँ बैठे हैं, उधर भी बैठे हैं, इधर बैठे हैं, वो हमारे भाई कह रहे थे कि अफजल खान से तकरीर नहीं सुननी, गज़ल सुननी है। चंद दिन पहले एक प्रोग्राम यहाँ हो रहा था तो उन्होंने मुझे ऐसे ही दावत दी, तो जब मैं स्टेज पे पहुँचा तो इफ़ी खान सिंगर थे वहाँ पे, तो पब्लिक से आवाज़ आई भी आज तकरीर नहीं सुननी, गाना सुनना है। तो मेरी खुश नसीबी ये थी कि इफ़ी खान था, तो मैंने कहा भाई भाई गाना आप सुनाएं। तो आज भी मेरी गुजारिश ये है कि शेर सुनने हैं तो प्लीज़, हमारे ग्रेट लोग यहाँ पे बैठे हैं, मुझसे हर लिहाज से बेहतर हैं, ज़बान पे भी अबूर बेहतर है। मैं तो छोटा 11 ईयर था जब मैं यहाँ आ गया, लेकिन अनवर भाई और रबीना बहन की मेहरबानी के ये बार बार ये चीज़ें करते रहते हैं और मैं भी यहाँ आता हूँ और थोड़ा थोड़ा सीखता हूँ, तो दैट्स नाइस। मैं जब भी कोशिश की मैंने पढ़ने की तो मैं स्ट्रगल करता हूँ, ये एक रियलिटी फैक्ट है, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें उनकी किताबी नुक्ता नज़र से पढ़ी हैं, तो उनकी जो फ़िलासफ़ी है, जो हम कहते हैं कि अकीमुल उम्मत, शायर मशरक, तो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट उनकी एक बहुत मशहूर किताब है, उसको भी मैंने पढ़ा है, उनकी लाइफ को भी पढ़ा है। तो आज मैं यहाँ बैठा ये सोच रहा था, जब रबीना में आया तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन हो रहे हैं, तो जो चीज़ मेरे जहन में जा रही थी वो ये थी कि उस वक़्त जिस वक़्त में उन्होंने काम किया, उस वक़्त क्या हालात थे जिस मैंने उनको इस जगह पे लेके आए कि उन्होंने ये पैगाम हम पे छोड़ा, और आज हम जहाँ खड़े हैं, आज हमारे हालात क्या हैं, तो हमारी क्या ज़रूरत है, ये वो लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए। मैं इलेक्शन के हवाले से कुछ नहीं कहना चाहता, इस लिहाज से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जब भी इस पे गौर किया है तो मैं ये समझता हूँ कि मैं और आप खुश नसीब हैं कि हम इस दौर में पैदा हुए हैं। खुश नसीब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम जिस तरफ देखें हमें काम करने की ज़रूरत है, तो ये हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह हमें मौका दे रहा है कि जो उम्मत के हालात हैं वो ऐसे हैं कि जिस तरफ हम देखें हमारी ज़रूरत है, तो ये हमारी ज़रूरत है। इसी पे मैं बात को ख़त्म भी करता हूँ, मैं अपने इन भाइयों के लिए छोड़ता हूँ कि ये जो यहाँ पे मैनचेस्टर की तारीख है, आप किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, यह आपका अपना हक है, लेकिन तारीख रोज नहीं बनती, ये 700 साल की तारीख मैनचेस्टर की है कि पहली बार आपके लिए एक मुसलमान और पाकिस्तानी जिसके रियल चांस है सेफ सीट से खड़ा है। तारीख में हिसाब ने डालना है, ये आपकी मर्जी है, नहीं डालना आपकी मर्जी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब, रुबीना आपका भी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। तो हमें तारीख बनानी है इंशाल्लाह अपने आने वाले जनरेशन को प्राउड फील कराने के लिए। बनता है मुसलमान, ये चार नासिर बनता।